Assalamu alaikum students, I hope you all are fine and taking good care of your health at your home. Today we will discuss it's our lecture number 2, subject science of class 4. We will read unit number 5, which name is natural phenomena. By the name you will get to know that in this unit we will discuss natural phenomena. Natural phenomena means कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने जो जो प्रोसीजर्स हमारी लाइफ को सरवाइव करने के लिए बनाए हुए हैं उन सब को हम जो है टाइम बाय टाइम और नेम बाय नेम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम योर सिलेबस ऑफ थर्ड टर्म. इट्स नेम इज एयर वाटर एंड वेदर. सो इन दिस चैप्टर ऑफ यूनिट नंबर 5 नेचुरल फिनोमेना वी विल डिस्कस अबाउट एयर water and weather. First of all बेटे I'll clear you what is air. Air क्या है? आपने हमेशा सुना है word wind भी हवा को कहते हैं और air भी हवा को कहते हैं, but there is somehow difference between air and wind. And now I'll tell you what is air. You know there is atmosphere surrounding our region. हमारे air के जो है वो atmosphere है, full of gases. The atmosphere which is full of gases is known as the air. हवा क्या हुआ? हवा इज द एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. गैसेस लाइक आप ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं. इन दो नेम से तो आप बहुत अच्छी तरह से फेमिलियर होते हैं, क्लास 4 के स्टूडेंट्स भी. अब इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म्स द एयर. नाउ द वर्ड कम्स विंड. विंड को मैं अभी डिस्क्राइब कर देती हूँ टॉपिक के साथ ही. विंड क्या है बेटे? इट इज द मूवमेंट ऑफ एयर पार्टिकल इज कॉल्ड एज द विंड. विंड क्या है? जब यही एयर पार्टिकल्स मूव करते हैं तो क्या कहलाते हैं? विंड कहलाते हैं. एंड दिस मूवमेंट इज डन बाय द हीट ऑफ द सन. सूरज की जो हीट है उसकी हेल्प से जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं बेटे, वो मूव करते हैं, कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एंड दे कॉल दिस विंड. अब विंड के भी नेक्स्ट टर्म्स जो है वो हम आपकी बुक में आपके चैप्टर में रीड आउट करेंगे. द नेक्स्ट वर्ड ऑफ योर चैप्टर टॉपिक इज वॉटर, पानी. हवा, सॉरी वाटर. पानी बेटे हमारे लिए कितना जरूरी? आप सबको पता है इस कुरा अर्थ पर 1/3 ऑफ जो है वाटर मौजूद है. मीन अगर आप देखते हैं कि ये एक पूरी जो है इट इज राउंड स्फीयर ऑफ द अर्थ एंड इसमें कितना पानी मौजूद है आप देखिएगा इस पूरे एरिया में, यानी जमीन पर जो पानी की क्वांटिटी है ये सारा वाटर ऑक्युपाइड एरिया. सिर्फ 1/4 पार्ट जो है ये ड्राई लैंड है जमीन में. अब देखिए बेटे पानी जितना ज्यादा अल्लाह पाक ने जमीन पर इसको अर्थ पर बनाया है इतनी ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है. अगर मैं आपको साइंटिफिकली डिस्कस करूं देन आवर सिंगल सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी और द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी कंटेन्स ऑलमोस्ट 70-80% ऑफ वाटर. 70-80% ऑफ वाटर एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सेल ऑफ द लिविंग बॉडी. अगर एक सिंगल सेल ही है, अगर आप देखें पानी नहीं पियेंगे हम क्या होता है, हमें प्यास लगती है, हमारी डिहाइड्रेशन हो जाती है, डेसिकेशन हो जाती है हमारी बॉडी में एंड इवन वी हमारी डेथ कॉज हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर. अब बेटे ना सिर्फ पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि पानी को हम बहुत से अलग पर्पजेस के लिए भी यूज करते हैं, जैसे बैदिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, इसके अलावा भी बहुत से यूजेस हैं पानी के, तो हम इस चैप्टर में जो है मजीद डिस्कस करेंगे. बेटे द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम योर टॉपिक इज वेदर. वेदर इज क्या कहते हैं वेदर को? उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो हम वेदर मौसम को कहते हैं. मौसम आपने सबने सुना होगा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदर हम मोस्टली जो है अपने सब कॉन्टिनेंट में डिस्कस करते हैं. इन 4 में से मेन जो है वो 3 होते हैं, समर, विंटर एंड ऑटम. इसके अलावा स्प्रिंग भी होता है. समर, विंटर एंड मॉनसून जो है वो 3 हम डिस्कस करते हैं. अगर मजीद हम इसको वेदर के सीजन्स को डिस्कस करें देन देयर आर 4 सीजन्स एंड द 4 सीजन्स आर नेम्ड एज समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. दीज आर द 4 सीजन्स इन सब कॉन्टिनेंट एरियाज. सो बेटे इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एयर, वाटर एंड वेदर. सबसे पहले आप देखिएगा आपकी बुक में वार्म अप एक्सरसाइज है, आपकी बुक पेज नंबर सी ऑन योर बुक पेज नंबर 85. हियर इज द वार्म अप एक्सरसाइज फॉर यू. यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ. अब बेटे देयर आर क्वेश्चंस ऑन अ हॉट, आपने कंप्लीट करनी है सेंटेंसेस ऑन अ हॉट सनी डे. सनी डे है तो आप क्या करते हैं? I take bath.
यू कैन राइट डाउन द आंसर बाय योर ओन सेल्फ एज यू लाइक. आप जो भी राइट करना चाहते हैं, सनी डे पर आपने बाथिंग ली, आपने स्विमिंग की, आपने कोई प्ले किया या आपने रेस्ट किया, आपने कैसे जो है सनी डे पर अपने आपको मैनेज किया, यू हैव टू राइट डाउन द आंसर ऑन योर बुक पेज नंबर 85. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन अ कोल्ड डे आई डैश. आपने यहां भी अपनी चॉइस का आंसर राइट करना है. आप कैसे अपना कोल्ड डे जो है वो सर्वाइव करते हैं. ऑन अ रेनी डे आप क्या करते हैं. आपने रेनी डे की भी एक लाइन यहां पर राइट कर देंगे. Now we will move towards our first topic is the air. From in very start I told you that what is air. Air is the moving particles or the composition of the gases. Gases are oxygen, carbon dioxide gas, and nitrogen, helium, hydrogen. अब बेटे ये सब क्या है gases, ये मिलकर बनाती हैं air. अब causes of हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एयर में कॉजेस ऑफ विंड्स टू ब्लो. अब एयर से क्या बनती है बेटे विंड. अगर हम इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन देखते हैं विंड. विंड आपने लव्स ब्रीज भी सुना होगा. ब्रीज क्या होती है. अब ब्रीज क्या होती है बेटे. अ लाइट विंड इज कॉल्ड एज द ब्रीज. जब हवाएं खुशगवार चल रही होती है, यानी हल्की हल्की चल रही होती है, हमें डिस्टर्ब नहीं करती, हमारे जो कपड़े नहीं उड़ रहे होते, दरख्तों की जो शाखें हैं वो एक डायरेक्शन पर नहीं उड़ रही होती, जो काइट्स वगैरह हैं वो नहीं ठीक से फ्लाई कर पाती, मीन्स अ स्लो विंड इज कॉल्ड एज द ब्रीज. यानी अप्लेजेंट विंड इज कॉल्ड एज द ब्रीज. अब यही ब्रीज जो है जब स्पीडी हो जाएगी, यही विंड जब स्पीडी हो जाएगी, देन वी विल कॉल इट अ गेल. अ गेल इज द स्टॉर्मी विंड. इसमें आपने देखा होगा अक्सर जब ये स्टॉर्मी वेदर होता है तो क्या होता है, दरख्त आपको एक साइड पर एक डायरेक्शन में उड़ते, दरख्तों की ब्रांचेस लीव्स जो है वो एक साइडों पर उड़ती नजर आ रही है. आपने अगर अम्ब्रेला कैरी की हुई है, अम्ब्रेला वो उसी साइड पर विंड की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही होती है. और अगर आप देखें काइट्स आप अगर फ्लाई कर रहे हैं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है स्काई पर जिस डायरेक्शन में वो विंड चल रही है. अब ये क्या है, ये अ स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड एज द गेल एंड इट मेक्स वॉकिंग डिफिकल्ट. इस टाइप की हवा में जब हवा की स्पीड ज्यादा होती है और वो गेल कहलाती है, हमारे लिए चलना थोड़ा मुश्किल होता है. होल ट्री स्वे कर जाते हैं, झुक जाते हैं ज्यादातर दरख्त जो है हवा की डायरेक्शन में. ब्रांचेस ब्रेक्स एंड टायर्स फ्रॉम द रूफ्स ऑफ हाउसेज आर ब्लोन अवे. जो टाइल्स होती हैं उनमें भी वेदरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, मींस वो वेयर अवे करना स्टार्ट कर देती हैं, ब्रेकिंग डाउन अपनी स्टार्ट कर देती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ गेल और द स्पीडी विंड. नेक्स्ट बेटी अगर हम मूव करते हैं गेल से आगे, देन देयर इज द वर्ड यू हर्ड अबाउट इट, अ स्ट्रॉन्ग. द स्पीडी गेल आर नोन एज अ स्ट्रॉन्ग, जिसे हम उर्दू में तूफान भी कहते हैं. अब तूफान के साथ बारिशें होती हैं, ठीक है बेटी. अब क्या है, द हैवी गेल विंड इज नोन एज द स्टॉर्म. अब स्टॉर्म में भी आगे होते हैं ना, कुछ तूफान होते हैं, हवाएं चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं, ठीक है, और वो दरख्तों को जो है डिस्टर्ब कर रही हैं, हमें डिस्टर्ब कर रही हैं, पानी इकट्ठा हो गया, दैट इज द स्टॉर्म और द रेनी सीजन और द रेनी डे. अब इसके अलावा कुछ स्टॉर्म्स होते हैं तूफान, जिसमें लाइटनिंग हो रही होती है, गरज चमक चमक के साथ बारिशें हो रही होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज द थंडरस्टॉर्म. अब मैंने आपके साथ डिस्कस किए बेटे कुछ टर्म्स, जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया एयर, आफ्टर एयर वी रीड विंड, विंड के बाद हमने रीड किया ब्रीज, ब्रीज से क्या है, हैवी फॉर्म ऑफ द ब्रीज इज कॉल्ड एज अ गेल, आफ्टर गेल या हैवी फॉर्म ऑफ द गेल इज नोन एज द स्टॉर्म, एंड आफ्टर स्टॉर्म देयर इज द थंडरस्टॉर्म. अब बेटे हम देखते हैं कि ये विंड्स ये हवाएं चलती कैसे. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इट कॉजेज द विंड्स टू ब्लो. दैट इज द वर्ड डिफरेंस इन द टेम्परेचर कॉजेज द विंड्स टू ब्लो. टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे आएगा. टेम्परेचर डिफरेंस कम्स बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. आपने देखा होगा बेटे सूरज दिन टाइम में होता है तो क्या हमें फील होता है, हमें हॉटनेस फील होती है, हमारा टेम्परेचर जो है वार्म हो रहा होता है. शाम टाइम आप देखिए जब सन सेट हो रहा है, सूरज ग्रूव हो रहा है, तो क्या होता है, टेम्परेचर स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है,
ठंड यानी ठंड तो नहीं कह सकते, हवाएं खुशगवार आप फील कर सकते हैं। उसके बाद जब रात आ जाती है, सूरज टोटल नहीं होता, तो क्या है आपको और ज्यादा कूल एटमॉस्फेयर फील होता है। एंड ये क्या है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं डे टाइम बाय टाइम, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द सन एंड बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द हीट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सन। सो बेटे देयर इज अ क्वेश्चन, कॉजेज ऑफ द विंड्स टू ब्लो, सन और द हीट ऑफ द सन कॉजेज द विंड्स टू ब्लो। टेम्परेचर चेंज आता है एयर पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स मीन्स याद कीजिए मैंने कहा था एयर पार्टिकल्स क्या है, कंपोजिशन ऑफ द गैसेस, यानी गैसेस पार्टिकल्स मूव करते हैं, विंड्स कॉज करते हैं। अब ज्यादा हीट होगी, ज्यादा गर्मी होगी, हवाएं जो है वो ज्यादा तेजी से चलेंगी, यानी वो ब्रीजी कंडीशन में आ जाएगा, ब्रीज से गेल हो जाएगा। अब बेटे इन द होल वी कैन से दैट हीट ऑफ द सन और द हीट ऑफ द सन और द कैपेसिटी ऑफ द हीट कॉजेज द विंड्स टू ब्लो। अब अगर हम विंड्स की बात करते हैं, देयर टू टाइप्स ऑफ द ब्रीज वी डिस्कस्ड ओवर हियर, वन इज द सी ब्रीज एंड अदर वन इज द लैंड ब्रीज, यू कैन सी इट ऑन योर बुक पेज नंबर 86-2। बेटे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, आई पेस्टेड सम पिक्चर्स फॉर द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ओवर हियर। यू कैन सी बेटे इन दिस डायग्राम, लैंड ब्रीज के ऊपर मैंने नाइट टाइम राइट किया है और सी ब्रीज पर डे टाइम जो है वो मैंने राइट किया है। अब क्या होता है बेटे, रात के वक्त अगर हम लैंड ब्रीज की बात करते हैं, रात के वक्त क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक, ड्यूरिंग नाइट टाइम हमारी जमीन जो है वो ज्यादा गर्म होगी या ठंडी होगी, उस पर टेम्परेचर कम हो जाएगा, सूरज नहीं होगा ना रात को, तो क्या होगा, जमीन से जो सर्द हवाएं हैं, लैंड की कूल ब्रीज जो है वो बेटे मूव करती है टुवर्ड्स द सी। रात के वक्त सूरज नहीं होता, तो जो सी है या वाटर आप कह दें जो हमारा वाटर सोर्स है सी, उस पर हवाएं जमीन की निस्बत गर्म हो जाती हैं। अब ये गर्म हवाएं मूव करती हैं टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द लैंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। रात के वक्त समंदर की जो गर्म हवाएं हैं वो मूव करती हैं टुवर्ड्स द लैंड एंड इट कॉजेज द लैंड ब्रीज। आफ्टर वर्ड यू कैन सी देयर इज अ सी ब्रीज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज? लैंड ब्रीज जो है बेटे, लैंड ब्रीज में जमीन से ठंडी हवाएं, यानी रात के वक्त जमीन से ठंडी हवाएं उड़कर समंदर की तरफ जाती है, जबकि सी ब्रीज में दिन के वक्त, यानी डे टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है, दिन के वक्त जो लैंड की गर्म हवाएं हैं वो मूव करती हैं टुवर्ड्स द कूलर सी। जो समंदर का एरिया है वो दिन के वक्त ठंडा होता है और हमारी लैंड दिन के वक्त गर्म होती है, तो द ट्रांसफर ऑफ वार्म एयर टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड एज द सी ब्रीज। हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू बच्चे, आपने क्या करना है उस एक्टिविटी में, हम अपने टॉपिक मूव करेंगे टुवर्ड्स वॉटर, आपका जो सेकेंड टॉपिक है वॉटर की तरफ हम बेटे मूव करेंगे। वॉटर में आपने जो है ऑब्जर्व भी करना है कि वट वी आर डिस्कसिंग और वट वी आर रीडिंग इन दिस चैप्टर। बेटे वाटर की जब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंस में आपको पहले वाटर का बता दूं, नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वॉटर। तकरीबन जैसे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है कि 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। वाटर इज फाउंड इन पॉन्ड्स। अब सोर्सेज ऑफ वाटर हमारे पास क्या है, पॉन्ड्स है, रिवर्स है, लेक्स हैं, सीज हैं, ओशंस हैं, ये सारे क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर जो हमें वाटर प्रोवाइड करें। अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर भी जो पानी मौजूद है वो भी हमारे लिए क्या है, वाटर सोर्स। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर एज वाटर वेपर। हैव यू एवर कंसिडर दैट, हैव यू एवर थॉट कि जो हमारी हवा है इसमें भी पानी मौजूद है? यस, वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ टाइनी वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। अंडरस्टैंड बेटे, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। आपको पता है पानी जो है वो थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम सॉलिड की बात करें, एग्जाम्पल देती रहती हूँ आपको साथ, सॉलिड की बात करें फॉर एग्जाम्पल आइस, लिक्विड की बात करें जो पानी आप ड्रिंक करते हैं, और गैस की अगर हम बात करें दैट इज स्टीम या वाटर वेपर्स जो मैंने अभी बताया आपको, स्टीम भाप की सूरत में। तो वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स। अब ये थ्री फॉर्म्स बेटे कैसे अकर होती हैं? ये थ्री फॉर्म्स भी जैसे मैंने आपको बताया कि एयर, विंड, गेल, स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म, ये कैसे कॉज हो रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन।
बेटी इसी तरह जो पानी है वो अपनी फॉर्म्स अपनी कंडीशंस चेंज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर. अब आप देखें, आप पानी लेते हैं, आप उसको फ्रिज में रख देते हैं, आइस क्यूब फिल करके क्या होता है, फ्रिज में टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है. अब वही पानी चेंज हो जाता है किसमें, आइस में. अब लिक्विड वाटर चेंज हो गया इंटू सॉलिड आइस, दिस इज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर चेंज हुआ ना हमारे नॉर्मल, यहाँ देखें एटमोसफेयर में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, पानी ऐसे ही पड़ा हुआ है, बट इवेपोरेशन होती रहती है इस नॉर्मल टेम्परेचर पर. अभी देखिएगा इस वाटर में मैं थ्री टॉपिक्स जो है वो ज्यादा जो है वो हाईलाइट करूंगी. वट इज इवेपोरेशन, सेकेंड वन इज अ कंडेंसेशन, एंड थर्ड वन इज अ फ्रीजिंग. अभी आपको इवेपोरेशन डिस्कस कर रही हूँ, दैट आइस चेंजेस इनटू द वाटर एंड वाटर कैन चेंज इनटू द स्टीम. दिस इफेक्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर चेंज. आफ्टर दैट अगर पानी लेते हैं वो आइस में चेंज हो जाता है, इट इज डन बाय फ्रीजिंग. एंड फ्रीजिंग भी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ जो है वो पानी को जो है वो फ्रीज कर देगा. बेटे आप अपनी बुक में भी ये डायग्राम देख सकते हैं, आपको ये दिया हुआ है, और ये जो है एक छोटा सा प्रैक्टिकल आप अपनी मम्मा की सुपरविजन में अपने घर में भी कीजिएगा. आप आइस को जो है सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है, आप उसको निकाल कर बाहर रख दें, फ्रीज से बाहर निकाल कर रख दें, आप देखेंगे जैसे वो नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा मीन्स टेम्परेचर चेंज होगा, तो वही आइस जो है वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी. अब अगर आप उसको हीट अप्लाई करेंगे, आप पानी ले लेंगे, वही जो जिस बर्तन में जिस पॉट में आपने वो आइस को मेल्ट किया है उसी बर्तन को आप जाकर बर्नर पर रखते हैं, उसके नीचे फायर जो है वो लीट कर दें, तो क्या होगा, जब हीट प्रोवाइड करेंगे आप उस पानी को, तो वही पानी चेंज हो जाएगा इनटू द स्टीम इनटू द वाटर वेपर. अब बेटी क्या है ये जो स्टीम और वाटर वेपर क्या है, इट इज द गैसेस स्टेट ऑफ वाटर. अब बेटी इवेपोरेशन का बता दूं आपको, इवेपोरेशन क्या है, आबी बुखारात बनने का प्रोसेस, आबी बुखारात यानी वाटर चेंज हो जाता है इनटू द टाइनी वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर कॉल्ड एज अ वाटर वेपर्स. इवेपोरेशन इज द कंटीन्यूअस प्रोसेस. आपने कभी नोट किया है आप कपड़े फैलाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाती है, बट डिपेंड करता है टाइम. अगर सूरज में सूरज के सामने आप यानी सनशाइन में कपड़े जो है वो फैला रहे हैं वो किस टाइम में ड्राई होते हैं, और एक आपने रूम के अंदर कपड़े जो है वो ड्राई करने के लिए फैला दिए हैंग कर दिए हैं तो वो कितने टाइम में ड्राई होते हैं, ये है आपके नोटिस करने वाली चीज. आपने देखना है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है वहां जो क्लॉथ्स हैं वो ज्यादा जल्दी ड्राई हो रहे हैं, और जहां पर टेम्परेचर कम है मीन्स रूम में वहां पर क्लॉथ्स जो है वो थोड़ी देर से ड्राई होती है. क्यों, क्योंकि हीट कॉजेज द इवेपोरेशन. जहां हीट ज्यादा है इवेपोरेशन ज्यादा है, जहां हीट कम है वहां इवेपोरेशन कम है. मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हीट जो है वो मैटर करती है. अब हमने बताया, अगर मैं रिव्यू लूं एक तो वो ये है कि एयर जो है या विंड जो है वो भी हीटिंग इफेक्ट और टेम्परेचर चेंज की वजह से होती है. वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट और द टेम्परेचर चेंज. और अगर इवेपोरेशन होती है इट इज ऑल्सो जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज द वेदर इज चेंजिंग. आफ्टर दैट आई मूव टूवर्ड्स माई नेक्स्ट टॉपिक वेदर. अब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवेपोरेशन, I discussed that heating, जब temperature change होगा तो evaporation ज्यादा होगी. जब हवाएं चलती हैं, हवाएं कब चलेंगी, जब air के particles यानी gas particles move करेंगे. gas particles move करती है just because of the heat of the sun. जब हवाएं चलती है तो भी evaporation ज्यादा होती है. Means temperature, it affects the rate of evaporation. Temperature ज्यादा होगा evaporation ज्यादा होगी. Winds, जब winds ज्यादा चलती हैं तो evaporation ज्यादा होती है. The next topic इस कंडेंसेशन, कंडेंस हो जाना, स्टोर हो जाना. बेटे कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज व्हाट, आपने कभी नोट किया है जब घरों में खाने बनते हैं या कोई कंटेनर है जिसके अंदर पानी मौजूद है एंड इट इज कवर्ड विद अ लिड, तो क्या होता है आफ्टर सम टाइम जब आप वो लिड वो ढक्कन वो कैप उठाते हैं तो उस पर भी कुछ वाटर वेपर्स जो है वो स्टिक हुए होते हैं, और जैसे आप उठाते हैं वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स. दैट इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन. यू नो एयर इज
हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. जो बारिशें होती हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से ही होती है. कभी आपने ये प्रोसीजर देखा है कभी या नोट किया है कि पानी तो नीचे जमीन पर होता है, ऊपर से कैसे आ जाता है? ऊपर से आता है जब वेपोरेशन होती है जमीन के पानी में. यानी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम भी ड्रॉ की है, वाटर साइकिल. अगर आप देखें इसको, दिस इज द वाटर सोर्स. We can say it's a lake, it's a river, it's a ocean or sea. So I will say this is an ocean. अब ocean से देखें, sun की heat पड़ेगी पानी पर, तो क्या होगा? जैसे heat ज्यादा होगी, पानी जो है वो evaporate होना start हो जाएगा. Means change होना start हो जाएगा into the steam or the water vapors. ये water vapors ऊपर की तरफ उठते हैं. ऊपर कहाँ जाते हैं? Clouds में. जब ये क्लाउड्स में मूव करते हैं, क्लाउड्स इसको लेकर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. और जहां पर ये फील करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया, पानी अपने अंदर रखने की एबिलिटी नहीं रखते, तो वाटरफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. आफ्टर रेनिंग ये पानी कहाँ जाता है? जमीन पर आता है. जमीन पर ये पानी आने के बाद वही नदी नालों में, दरियाओं में जाने के बाद फिर से वापस जो है वो ओशन या सी में दोबारा आ जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ वॉटर साइकिल. यानी पानी जो है वो जहां से उठा था, जहां से वॉटर वेपर बना था, वहां पर जो है बाय द प्रोसेस ऑफ रेनिंग जमीन पर वापस आ गया. मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ, कंडेंसेशन. कंडेंसेशन क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, घरों में जो खाने पकते हैं, मैं तो यही एक कॉमन सी एग्जांपल देती हूँ. बच्चे लोग, आप देखिएगा, मामा लोग जब खाना बना रही होती है ना सालन, तो उसमें देखें जब वो कवर होता है ढक्कन के साथ, लिड के साथ, और सडनली मामा जो है वो खोलती है, तो वो पानी से भरा हुआ होता है, वाटर ड्रॉप से. वो वाटर ड्रॉप कैसे आए उस लिड के ऊपर ना? ये इवेपोरेशन हुई उस कंटेनर के अंदर. इवेपोरेशन से वाटर वेपर जो है वो उस ढक्कन को लग गए. और ये प्रोसेस जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया, अभी तक तो कवर्ड था ना कंटेनर में, जैसे आपने वो लिड ऊपर किया, टेम्परेचर चेंज हो गया. अब क्या होगा? वही जो वाटर वेपर लिड को, उस ढक्कन को लगे होते हैं, वापस जो है वो उसी बर्तन में गिरना शुरू हो जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज द कंडेंसेशन. अब बारिश भी तो यही होती है कि अब कतरे जो है वो उठे हैं, बादलों में आए हैं, और बादलों से फिर वापस जमीन में आ गए. यानी कि स्टेट ऑफ वाटर चेंज हुई, पानी से जो है स्टीम बनी, स्टीम क्लाउड्स में गया, और वो वाटर वेपर्स जो हैं वो दोबारा पानी की शक्ल में जमीन पर आ गए. मींस वाटर अपनी स्टेट भी चेंज करता है और वापस जो है अब जहां से स्टार्ट हुआ था अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन और द वाटर साइकिल. बेटे ये एक्टिविटी आप घर में अपनी कर भी सकती हैं. आप क्या कीजिएगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ योर मदर और एनी एल्डर एट योर होम, आप क्या कीजिएगा, एक कंटेनर लेना, उस कंटेनर में आप पानी रख दीजिएगा, उसके नीचे आप फायर लिट कर दीजिएगा, मींस बर्नर ऑन कर दीजिएगा. बट अगेन आई एम सेइंग इन द प्रेजेंस ऑफ योर एल्डर वन, किसी बड़े की निगरानी में कीजिएगा. आप लोग बहुत छोटे होते हैं तो आपको हीट के करीब, फायर के करीब वैसे भी नहीं जाना चाहिए. बट आप क्या कीजिएगा बेटी, कंटेनर में पानी ले लिया, पानी के नीचे आग लगा दी. जब जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, पानी जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा, और आफ्टर दैट आप देखेंगे उसमें से स्टीम उठ रही है, वाटर वेपर्स उठ रहे हैं. उसके ऊपर आपने रखना है एक कवर, ठीक है, एक कवर आपने रखना है. अब जो ये वाटर जो है इवेपोरेट हो रहा है, आप देखेंगे कि इसके साथ लगता जाएगा, उस कवर के साथ. फिर आप नोट कीजिएगा, जैसे आप जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर उस लिड को थोड़ा साइड पर करते हैं, वही पानी जो है वो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, या इस कंटेनर के ऊपर भी होगा. बट जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाएगा, यानी इसकी स्टेबिलिटी, ये इतनी एबिलिटी नहीं रहेगी कि ड्रॉप की फॉर्म में उस लिड पर स्टे कर सके, तो यानी वेट ज्यादा हो जाएगा, तो वो पानी जो है उस वापस कंटेनर में आ जाएगा. आप देखेंगे कंडेंसेशन का प्रोसेस इस एक्टिविटी के थ्रू. नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड वाटर कूल हो जाता है. और आपको पता है व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और द 0 सेल्सियस, ठीक है बेटे. एंड अलोंग विद दिस आई टेल यू दैट the boiling point of water is 100 degree centigrade. degree centigrade आपको पता है, मैं temperature के unit को mention कर रही हूँ कि पानी जो है वो boil होना, पानी जो है वो freeze होना start कर देता है at 0 degree centigrade, जब temperature 0 degree पर होता है. और पानी boil होना start हो जाता है जब पानी का temperature 100 degree centigrade हो जाता है. Understand बच्चे? The next topic water cycle आप अपनी book में भी देखेगा, पहले भी मैंने आपको कि वाटर साइकिल जो है वो क्या है.
आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसके साथ बेटे आपकी बुक को देखें आप, एक टर्म आपकी इसमें है वाटर साइकिल के बाद, यानी पानी की ही फॉर्म्स बता रहे हैं आपकी बुक पेज नंबर 90 पर। इन नेचर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर कॉजेज द रेन, बारिश, हेल जो ओलेबारी होती है, ड्यू, शबनम जो छोटे छोटे कतरे हमें मॉर्निंग, फ्रॉस्ट जब यही जो है शबनम के कतरे जो है वो फ्रीज हो जाते हैं, फ्रॉस्ट, फोग धुंध वगैरह जो कहते हैं, स्नो और जब बर्फबारी होना शुरू हो जाती है। बेटी क्या है यानी इवेपोरेशन के ही प्रोसेस से हम सब क्या फेस करते हैं, रेनिंग भी हो रही होती है, हीलिंग भी, ड्यू भी, फ्रॉस्टिंग भी, फोग भी और स्नो फॉलिंग भी। अब व्हेन इट इज कोल्ड द रेन ड्रॉप्स फ्रीजेस एंड टर्न इनटू आइस, दिस इज कॉल्ड एज द हेल। जब यही बारिश के कतरे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से फ्रीज हो जाते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाते हैं, इनटू द हेल। हेल के बाद वो कह रहे हैं सर्दियों में आपने अक्सर नोट किया होगा कि वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं ऑन द लीव्स, या आप देखें घरों में जो बाहर विंडोज होती हैं, डोर्स होती हैं, फ्लोर होती हैं, उस पर भी आपने कभी देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं सर्दियों में नॉर्मली ये देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा छोटे छोटे पानी के कतरे जो है वो जमे हुए होते हैं वहां उस जगह पर, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं या विंडो पेन्स हैं, उसको हम ड्यू कहते हैं, शबनम के कतरे। अब अगर एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है यही टेम्परेचर, यही एटमोसफियर, तो यही ड्यू जो है वो फ्रीज हो जाती है इंटू द टाइनी क्रिस्टल्स, एंड दीज टाइनी क्रिस्टल्स आर नोन एज द फ्रोस्ट, इसको हम फ्रोस्ट कहते हैं। अब विंटर में जब वाटर वेपर्स हवा में कंडेंस हो जाते हैं या हवा में देखें आपको पता है गैसेस की जो है वो मिक्सचर है हवा, अब इस गैस में डस्ट भी है, स्मोक भी है, अब इस स्मोकी पार्टिकल्स जो डस्टी पार्टिकल्स हैं इसमें जो वाटर स्टिक कर जाता है, कुछ तो पानी उड़ जाता है क्लाउड में चला गया लेकिन कुछ पानी बीच में जो डस्ट वगैरह आते हैं उनके साथ स्टिक हो जाता है। अब इस तरह का पानी जो है, इस तरह के पार्टिकल्स जो है वो बेटे क्लाउड बनाते हैं, बादल बनाती हैं, ठीक है। एंड दीज आर जस्ट अबव द ग्राउंड एंड दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज द फोग, इसको हम फोग भी कहते हैं। व्हेन वाटर वेपर्स कूल्ड सडनली इट फ्रीजेस इनटू टाइनी स्नोफ्लेक्स, ये आपकी बुक डायग्राम में भी देख सकते हैं, स्नोफ्लेक्स कहते हैं जब यही वाटर वेपर्स या जो आपके स्नोई पार्टिकल्स हैं ये स्टिक कर जाती हैं किसी भी जगह पर और फ्रीज हो जाती हैं, दीज आर नोन एज द स्नो फ्लेक्स। आफ्टर दैट बेटी हियर कम्स योर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में आपका पार्ट ए है, ये आपने फिल करना है, पार्ट बी है, आंसर दिस क्वेश्चंस इन शॉर्ट, यू हैव टू राइट डाउन देयर आंसर्स ऑन योर नोटबुक। एंड पार्ट सी, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, सेंटेंसेस आपको गिवन है आप इन्हें करेक्ट करना है। नोट्स आर गिवन टू यू एंड यू कैन कलेक्ट योर नोट्स फ्रॉम द स्कूल मेन कैंपस इन हार्ड कॉपी के फॉर्म में आपके नोट्स अवेलेबल है। देयर इज अ टास्क फॉर यू, इन टास्क यू हैव टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट ऑन ईच पोस्टर विच डिपिक्ट्स थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेदर ऑन थ्री डिफरेंट डेज। थ्री डिफरेंट डेज आपने लेने हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे ले रहे हैं आप, और इनमें जो वेदर चेंज हुआ है वो आपने जो है अकॉर्डिंग टू योर एरिया आपने जो है इन थ्री बॉक्सेस में, थ्री पोस्टर्स में ड्रॉ कर देने। नाउ हियर इज अ टॉपिक, वेदर। इन वेदर यू नो वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमोसफेयर ऑफ अ प्लेस एट अ पार्टिकुलर टाइम इन रिलेशन टू हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस, सनशाइन, विंड एंड रेन। अगर आप देखिए हमने फुल चैप्टर में ये सारे इफेक्ट्स ही रीड किए हैं, मींस टेम्परेचर चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, सीजन्स आती हैं, बारिशें होती हैं, हवाएं ज्यादा चल रही होती हैं, ये सब कैसे होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट। हीट कहां से आती है, सन से आती है। तो वेदर जो लाने का मेन सोर्स है, वेदर चेंज करने का मेन सोर्स है हमारे पास, वो है बेटे सन। द वेदर कैन बी हॉट, ड्राई, विंडी, रेनी और ह्यूमिड। ह्यूमिड हम कहते हैं बेटे जो एटमॉस्फेयर जिसमें वाटर वेपर्स की क्वांटिटी या नमी की अमाउंट जो है वो ज्यादा हो जाती है, दैट वेदर इज कॉल्ड एज द ह्यूमिड वेदर। द देयर आर टू टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन दिस, सन कॉजेस चेंजेस इन द वेदर, वेदर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। यानी सन की वजह से वेदर में चेंज कैसे आता है और वेदर जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन में हमें कैसे हेल्प आउट करते हैं। अब देखिए बेटे, एज यू हैव ऑलरेडी सीन द हीट ऑफ द सन कॉजेस विंड्स टू ब्लो,
हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही पढ़ा है कि सन की हीट की वजह से हवाएं चलती हैं, विंड्स ब्लो होती हैं, यही हीट जो है सन की, ये वाटर को अपनी स्टेट्स में भी चेंज कर देता है, मीन सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अगेन सॉलिड और लिक्विड. अब क्या है बेटा, द वॉटर ऑन द अर्थ इवेपोरेट एंड फॉर्म्स द क्लाउड्स. अब क्लाउड्स क्या करते हैं बेटे, रेन कॉज करते हैं. अब रेन होती है, रेन के बाद रेन की अगली टाइप्स हैं, जैसे स्टॉर्मी रेन है, थंडर स्टॉर्म में रेन है. अब ये सब क्या है, स्नो फॉलिंग है, हेलिंग हो रही है, ये सब क्या है बेटे, दीज आर टाइप ऑफ डिफरेंट वेदर्स. अगेन बता रही हूँ, वेदर क्या है बेटे, कैसे आते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर. एंड टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन. So all the changes in the weather takes place just because of the sun. बेटे next topic है weather and crops. आपने अक्सर सुना होगा कि हमारी two types की जो है वो हम crops field करते हैं, one is the रबी crop, another one is the खरीफ crop. अब बेटे ये जो है ये weather changes की वजह से divide की गई है, means कुछ seasons, कुछ crops जो है वो summer season में grow करती है, means उन्हें temperature ज्यादा चाहिए होता है, और कुछ क्रॉप्स जो हैं वो विंटर सीजन में क्रॉप करती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, मींस उन्हें टेम्परेचर कम चाहिए होता है. अब हमारी क्रॉप प्रोडक्शन मेनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर टू. अभी ठीक क्या है, वेदर शुड बी सूटेबल फॉर द प्रॉपर क्रॉप्स, फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स. सडन चेंजेस इन द वेदर डैमेजेस द क्रॉप्स. अब क्या होगा अगर मौसम जो है वो सडनली चेंज हो जाएगा, मींस समर सीजन ही है और बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं या स्टॉर्म स्टार्ट हो जाती हैं, तो क्या है पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है. अब ये क्या कह रहे हैं, लैक ऑफ द रेन्स इन लॉन्ग हॉट एंड ड्राई पीरियड्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. इफ देयर इज अ स्टॉर्म द फ्रूट्स फॉल ऑफ. अगर तूफान चलती हैं तो जितने भी फल लगे हुए होते हैं, राइप हुए होते हैं, क्या है, फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं. हेल स्टोन अगर है, ये ब्लॉसम्स जितने भी फूल खिले हुए होते हैं उनको तबाह कर देते हैं, ये जो ओलेबारी हो रही होती है. फ्रूट्स एयर्स ऑफ ग्रेन्स, सो सूटेबल वेदर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स. अभी ये आपकी डायरी है, होमवर्क डायरी, आपने अंडरस्टैंड करना है द होल 11 चैप्टर, और इसके तमाम वर्क पेजेस आपने जो है वो बुक पर सॉल्व करने हैं. एक्सरसाइज का पार्ट ए आपने बुक पर सॉल्व करना है, पार्ट बी और सी जो है बेटे आपने वो नोटबुक में राइट करना है. अलोंग विद दिस यू हैव टू ड्रॉ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन योर नोटबुक वेरी नीटली. बेटे यही लेक्चर आपके हमारा गैरिजन स्कूल सिस्टम छंग के नेम से यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें. यही लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में वहां पर भी अवेलेबल है, तो कोई भी चीज आपको अंडरस्टैंड नहीं हुई है आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.